नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ई कंसल्टेंसी में, जहां मिलती है आपको NGOs और बिजनेस से रिलेटेड सारी जानकारी। तो दोस्तों, आज का जो हमारे यहाँ वीडियो होने वाला है, काफी पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में है कि NGOs बिजनेस कर सकती हैं। बहुत सारे लोग NGOs रन कर रहे होते हैं और जानना चाहते हैं, उनके मन में एक क्वेश्चन होता है, क्या हम अपनी NGO में बिजनेस कर सकते हैं या नहीं, क्या हम अपनी NGO में कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं या नहीं। तो आज आप इस वीडियो में अपने इस क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। इसका जवाब मैं पहले दे देता हूँ कि आप अपनी NGO में बिजनेस कर सकते हैं। मेरा जवाब हाँ है। जो NGOs चैरिटेबल पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, वो 20% तक अपना टोटल इनकम कर सकती हैं। लेकिन आपको वहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव ये भी दिया हुआ है कि आपकी ट्रस्ट है या सोसाइटी, जो भी आप इनकम कर रहे हैं वो उसके पर्पस के लिए यूज की जानी चाहिए। जो भी आपका प्रॉफिट हो रहा है वो ऑल ओवर जो भी आपने वर्क किया है उसका टोटल, जो भी आपने मार्जिन लिया है, जो भी आपने इनकम जनरेट किया, जो भी आपका रेवेन्यू हुआ है, वो टोटली यूज होना चाहिए आपके चैरिटेबल पर्पस के लिए। ये इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है। तो अब आप जानना चाहेंगे कि आप किस तरीके के बिजनेस अपने NGOs में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज के टाइम में बहुत कॉमन आपने देखा होगा स्कूल एंड कॉलेजेस चल रहे होते हैं, वो एजुकेशन सेक्टर है। कोचिंग आपने देखे होंगे, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स देखे होंगे, ट्रेनिंग सेंटर्स देखे होंगे, तो ये सब बिजनेस में आते हैं। लेकिन इनका एक पर्पस होता है, एक कॉमन पर्पस होता है कि ये लोग सोशल वेलफेयर में काम करेंगे, या आपके NGO की ट्रस्ट या सोसाइटी जो भी आपके पास है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपका टोटल रेवेन्यू वहाँ पर जो यूटिलाइज होगा वो चैरिटेबल पर्पस के लिए होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी हमारा वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।